गोड्डा पुलिस कप्तान शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल को 28/12/2019 को मेहरवा थाना के ग्राम भीमचक भलवा में एक व्यक्ति के द्वारा किसी गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम देने के नियत से घर में अवैध हथियार एवं गोली रखने की सूचना मिली। इस सूचना को प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक गोड्डा के द्वारा अपने दिशा निर्देशन में प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस निरीक्षक मेहरवा प्रभाग के नेतृत्व में थाना के अन्य पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल को सम्मिलित कर एक विशेष टीम गठित कर ग्राम भीमचक भलवा भेजा गया। गठित विशेष टीम के द्वारा भीमचक भलवा पहुंचकर जयकृष्ण सिंह उर्फ जोसेफ फिशर अयोध्या सिंह के घर को घेर कर विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसके बिछावन के तकिए के नीचे से एक लोडेड देसी पिस्तौल एवं छोटे से थैले में 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। तत्पश्चात कृष्ण सिंह उर्फ जोसेफ पेशर अयोध्या सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहरवा थाना अंतर्गत भीमचक भिलवा ग्राम में जयकृष्ण उर्फ जोसेफ के घर में हथियार है और ये किसी की हत्या कर सकते हैं। हालांकि बाद में सत्यापन हुआ कि अपने भाई जो अरुण सिंह हैं उनकी हत्या करने का इनका योजना था, इनका विवादपुर से चला रहा था। इनके घर की जब तलाशी ली गई तो एक 315 का कंट्री में एक बड़ा सा कट्टा और उसके साथ में 5 जिंदा गोली जिसमें से एक लोडेड था उसको बरामद किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये बिहार से ये इसको प्राप्त किए हैं। उन दोनों व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है और उनसे उनकी गिरफ्तारी भी की गई, पूछताछ की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो लोग इसमें शामिल हैं, कौन ऐसे लोग सप्लायर है इस तरह का हथियार जो गुड्डा के इस व्यक्ति को सप्लाई किया गया था और क्या मारने की आखिर ये फाइनली क्यों मारने की ये पूरी प्लानिंग इनकी थी संबंध में पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी कितने की है? अभी तक ये गिरफ्तारी भी है, दो अन्य व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। संचालित सुपर 200 कार्यक्रम की पहल में से गोड्डा जिले के मेघावी छात्र छात्राओं को टॉपर्स बनाने के उद्देश्य से 3 संस्थानों के को केंद्र के रूप में यथा महिला आईटीआई सिकटिया केजीबीबी गोड्डा एवं पत्रगामा स्थापित कर 150-150 छात्र छात्राओं को आवासीय व्यवस्था के साथ पिछले एक माह से आगामी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा द्वारा सभी स्कूल के छात्र छात्राओं का चयन परीक्षा के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में संचालन में अदानी का CSR फंड का उपयोग किया जा रहा है। उपायुक्त गोड्डा श्रीमती किरण पासी द्वारा संचालित कार्यक्रम को आशा है कि इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में जिला के छात्र छात्राओं का परिणाम राज्य स्तर पर बेहतर होगा। गोड्डा दानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की ट्रेनिंग कर चुकी 53 लड़कियों को बेंगलुरु के कैनेडियन ग्लोबल लाइफ एंड एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में नौकरी मिली है। कंपनी बेंगलुरु में हेल्थ हील नाम से हेल्थ केयर सेवा के क्षेत्र में काम करती है। लड़कियों का चयन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इंटरव्यू में हुआ। 53 में से 43 लड़कियों को कंपनी की ओर से नियुक्ति पत्र मिल चुका है। ये सभी लड़कियां गोड्डा के अलावा पत्रगामा, कौड़ी बिहार, पोड़ैयाहाट, देवंदा, हसडिया, रमला आदि गाँव में रहने वाली हैं। महज 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद नौकरी का ऑफर पाकर लड़कियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं देवंदा से बिलोंग करती हूँ। मेरा पढ़ाई के साथ साथ हमको अब मतलब साइड से भी कुछ करने का बहुत पहले से हमको शौक था कि हम अपना पैर में खड़ा हो, अपना घर का स्थिति को सुधारें, क्योंकि घर में सबसे बड़े हम हैं, मेरा पापा जी नहीं है। तो हमको बहुत पहले से ही मतलब हमको था कि हम जॉब करें, कुछ अच्छा करके दिखाएं, घर को भी सहयोग दें। तो वो चीज़ हमको यहाँ से पता चला कि अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर से यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी दे रहा है। तो हम सोचे क्यों नहीं इसको ही किया जाए, क्योंकि मेरा हमको सीखने का मौका भी मिल रहा है, पेशेंट का सेवा करने का भी मौका मिल रहा है, बहुत तरह तरह का सीखने का मौका मिल रहा है। इन्फेक्शन से कैसे बचना है, कैसे बचाव करना है, दूसरे को कैसे बचाना है सब। गोड्डा समाहरणालय स्थित सभागार में आज दिनांक 28/12/2019 को विकास आयुक्त गोड्डा श्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में पल्स पोलियो अभियान 19 जनवरी 2020 से 21 जनवरी 2020 के सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की टीम बैठक आहूत की गई। बैठक में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के लिए डॉक्टर ध्रुव महाजन के द्वारा अभियान को सुचारू रूप से जिले में संपन्न कराने के लिए प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई। उन्होंने पल्स पोलियो अभियान के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा जिला स्तर पर सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के बच्चों का दिनांक 18/1/2020 या 19 को प्रभात फेरी निकालते हुए शिक्षा जिलाधीक्षक को निर्देशित किया गया है एवं रैली एवं स्लोगन के माध्यम से जागरूकता अभियान लाने के लिए निर्देशित किया गया है। जिस विद्यालय भवनों में पल्स पोलियो टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए उस विद्यालयों को पल्स पोलियो के लिए रविवार को 19 जनवरी 2020 को खुले रखने की निर्देश दिया गए। सभी प्रधानाध्यापक को पल्स पोलियो अभियान की तिथि को सूचना पट पर अंकित कराने हेतु भी निर्देश दिए गए।